आशिक नहीं किया जा सकता। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे चंद वाक्यों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। हमारे पास माँ है, हमारे पास माँ है। हम उस भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पास माँ है। जिनके पास माँ नहीं उनसे जाके पूछिए कि उनकी इस दुनिया में कदर क्या है। इस दुनिया में उनकी कोई कदर नहीं, वो एक अनाथ के नाम से जाने जाते हैं। अपनी माँ की कदर कीजिए, वह आपकी सबसे अमूल्य चीज है। एक हीरे से बढ़कर है वो, एक हीरे से मोती जवाहरात डायमंड किसी से कोई इसके सामने कुछ नहीं लगता। जो माँ है ना आपके पास, वो आपकी जिंदगी है। उससे उसने आपको जीवन दिया, जीवन प्रदान किया है, उसकी इज्जत कीजिए। एक कहानी मैं आपको बताती हूँ, माँ का दिल, बड़ी ही प्रसिद्ध कथा है जिसमें एक बेटा होता है, उसे उसकी माँ ने बहुत ही लाड प्यार से पाला होता है। अंत में वो बेटा जाकर अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपना माँ का दिल निकाल कर उसके सामने रख देता है कि तुम मेरे से विवाह कर लो, मैं तुम्हें अपनी माँ का दिल निकाल के देता हूँ। वो लड़की क्या बोलती है कि जब तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो सके तो तुम मेरे क्या सगे होगे। जब तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो सके तो मेरे क्या सगे होगे। कल को तुम्हें कोई कहेगा कि मैं तुम्हें 100 करोड़ की जायदाद देता हूँ, तुम तो मुझे भी बेच के आ जाओगे, तुम तो मुझे भी बेच कर आ जाओगे। इसमें माँ वो अंत में वो बेटा अकेला रह जाता है। उसकी माँ के उसे लाख बार समझाने के बाद भी उसने अपनी माँ का दिल निकाल के उसे दे दिया। अंत में वह भी अकेला रह गया, ना उसे प्रेमिका मिली, ना ही उसके पास अमूल्य चीज, वो जो माँ है।